चल गया है, ये भी शुरू करने वाले हम ही हैं बाबा के आशीर्वाद से। आजकल शेर शायरी भी बहुत होने लगी, तो उसके ऊपर मुझे याद आ गया कि किया है अपने को बर्बाद, शेर कहने लगे जब आ गई तेरी याद, शेर कहने लगे और न देख कितनी हकारत से हम अदीबों को, न देख इतनी हकारत से, इतनी नफरत से हम शायरों को, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। क्या बात है। और ये नहरे दूध की हम भी बहा सकते हैं, ये नहरे दूध की हम भी बहा सकते हैं, मजा तो तब है के फरहाद शेर कहने लगे। क्या बात है। और बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने ए राणा, बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने, बल्कि यहां ये कहूंगा कि बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने है हमसर, बड़े बड़ों को बिगाड़ा है हमने है ए हमसर, हमारे लहजे में उस्ताद शेर कहने लगे। ये सब शायरी का गर्म है। मेरे वालिद सब खुश शायर थे, उनके कई गाने कव्वाली की दुनिया में बच्चा जानता है, आजकल के बच्चे क्या जाने को, बड़ी कव्वाली गई होते, बड़े अशआर होते, हयात अहलवी बहुत मशहूर शायर थे। हाँ जी, तो पेश कर रहा हूँ भरतू झोली, समझ कर रहा मोहम्मद उस पहले था आलम निराला, लगाया था शैतान जुम्मत का ताला, कहीं तीर खंजर कहीं तेव भाला, तो मक्के में पैदा हुआ कमली वाला, हलीमा चली लेके जब नूर यक्ता, दरख्शा सा चेहरा हबीबे खुदा का, फरिश्तों ने तादीम को सर झुकाया, फलक पर उठा शोर सल्ले अलाका, सफर कर रहा है वो मेराज वाला, कोई राज पूछे ये रूहुल अमी से, जो मिलकर नबी से सरे अर्श पहुंचे, जो देखा वहां भी वही पाक जलवे, खुदा किसको समझे नबी किसको जाने, इधर कमली वाला उधर ही कमली वाला, पैंतालीस साल से कव्वाली करता हूँ, अब से नहीं बचपन से। हाँ जी, दोनों हाथ ऊपर करेंगे जो लोग कव्वाली सुनना चाहते हैं सूफी के। भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, भर दो झोली मेरी या मोहम्मदी, दर पे आया बन के झोली मेरी या मोहम्मद, दर पे आया हूँ बन के सलाली, दर पे आया हूँ बन के सलाली, मेरी या मोहम्मद, दर
फरमाइश करके जा रहे हैं भाई, कुछ नवासों का कुछ सुना तो करेंगे, अरे कुछ नवासों का सदका पता हो, लौट कर मैं ना जाऊंगा खानदान में गाना बजाना साढ़े 700 साल से, अब से नहीं 750 साल से हमारा घराना है हिंदुस्तान में, सिकंदराबाद दिल्ली घराना, हमारे बाप दादा ने यही काम किया क्लासिकल। हाँ जी, और ये जिनका कलाम है साईं भगवान श्री राम अल्लाह गरीब नवाज रसूल पाक गरीब नवाज महबूब इलाही गवाह है। 90 में मैं पाकिस्तान टूर पे गया था, उस जमाने में अमजद साबरी मुझसे छोटा था उम्र में, लेकिन अब तो कामत में जरा लंबा था, मुझसे बड़ा लगता था, और ये सच्चाई है। अमजद साबरी उस जमाने में गाना नहीं गाते थे, उनके फादर जिंदा थे उस जमाने में। पाकिस्तान जब मैं गया था, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ वीडियो में कि लोग देखें, हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा जिसके साथ हमसे रियाज नहीं गया, बड़ा करम है अल्लाह का साईं का। मैं गुलाम फरीद साबरी साहब के साथ गा चुका हूँ पाकिस्तान में, अजीज मियां साहब के साथ गा चुका हूँ, नुसरत खान साहब के साथ गा चुका हूँ। उस जमाने में इतने फनकार नहीं होते थे, सिर्फ तालीमकार होते थे, आजकल फनकार बहुत है, तालीमकार कम है, मेरे घर में फनकार हो गया। तो ये कव्वाली अब की नहीं है, 40 साल पुरानी है, और जो लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करें, हाय हाय, बहुत से तो पैदा भी नहीं होंगे। जिसको क्या आजादी आजाने उसमें एक शेर मेरे वालिद मेरे उस्ताद का है,
जो लोग सुनना चाहते हैं हाथों पर करें, मेरे उस्ताद मेरे पिताजी की वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह है, उनकी रूह ना शर्माए। मेरे वालिद ने मुझे बहुत कुछ दिया है और ये कहा कि बेटा कोशिश करना कि अपना बुरा वक्त ना भूलना। आजकल तो बहुत सारे लोग अपना बुरा वक्त भूल रहे हैं। ये शेर मैं बाबा की नजर कर रहा हूं और आप सबके और नबी जी की कमली है जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर्श तेरे मैं कंट्रोवर्सी से बड़ा डरता हूँ भाई। आपको पता है कितने गाने लोगों ने मेरे चुरा चुरा के गाली है, अपने पिताजी का नाम तक डाल दिया, दीवाना कराया। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब अच्छा नहीं कर रहे हो, दिल दुखता है। इश्क का राजा मैंने सन 2007 में किया था, मैंने डाला, मैंने कहा चलो नहीं गलत वो सही है, नोट कमा रहे हैं, मुझे कह रहे हैं क्या गाना उसका है। आने वाले दौर में ये कहेंगे कि हिंदुस्तान भी उसने बनाया था भाई। क्या यार बताओ, कितने साल हो गए हमने घास काटी है, आजकल लौंडे आके हमें गाना सिखा रहे हैं। दोनों सुबह करेंगे हाय हाय झोली भर दी मेरी मेरे रब ने, झोली भर दी मेरी मेरे रब ने, दोनों हाथों पर बात मेरी नहीं कोई गाओ, कोई कहता है वो नहीं गाओ, कोई कहता है ये
दुनिया दुनहत पर मुझको दुनिया मुझको दुनिया की दौलत न मांगू अरे मैं तो दुनिया की दौलत न मांगू दुनहत पर मैंने दौलत कुछ ऐसी कमा ली तो दुनिया की दौलत ऐसी जिंदगी भर रहेगा हयात तू बाद मरने के भी है हयात तू जिंदगी भर रहेगा हयात तू बाद मरने के भी है हयात तू दोनों तो बस आए हैं जितना मांगोगे उतना मिलेगा जितना मांगोगे उतना मिलेगा झोली भर जाएगी बस तुम्हारी